0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है, आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के सुर्खी थाना अंतर्गत विदवास गांव में खेत में बने एक घर के पास महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला के पति रामजी पटेल ने बताया कि वो मजदूरी के लिए गया हुआ था और उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में खेत में बने घर के पास पड़ी हुई है, जिसके बाद रामजी पटेल ने इसकी सूचना सुर्खी पुलिस को दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सुर्खी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ काफी खून बह जाने से महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला कुछ साल पहले अपने पहले पति दशरथ लोधी को छोड़कर रामजी के साथ रहने लगी थी और रामजी पटेल ने भी महिला की हत्या का शक उसके पहले पति दशरथ लोधी पर जताया है। क्या नाम है आपका? रामजी पटेल। रामजी पटेल कहाँ से निवासी हैं? विदवास। अच्छा, क्या घटना क्या हुई? घटना में मन्नू पटेल के घर लकड़ी का काम करने गए थे, सुबह से 9 बजे मजदूरी करने मन्नू पटेल के घर। हाँ। तो मेरा भतीजा छोटा सा है, तो उसने दौड़ लगाया, सो पहुँचा इसके मन्नू के पास घर पे, तो बोलने लगा भाई चाचा हो जिधर, तो पहुँचा तो उसकी बहन मन्नू की बहन ने फ़ोन लगाया कि मन्नू भैया रामजी भैया को पहुँचा दे, थोड़ा झगड़ा हो गया। तो मैं घर गया तो उधर से गदेरी से पैदल गया, उधर गया तो मेरा पिताजी था और वो छोटा सा बच्चा था। बस उसके बाद में मैंने देखा, मैंने तो खेत में अंडे ली थी, 3-4 घाव थे। घाव लगे थे? हाँ, कुल्हाड़ी के। कुल्हाड़ी के कहाँ कहाँ लगे थे? मैंने मुंड में लगे हैं, एक कुली पर लगा और एक पीठ में बगल में लगा, दो ही कुलों के बगल। मालूम चला किसने? ये मेरे मैंने पड़ोस की भाभी बता रहे, नहीं जो हमारे चाचा के मैंने लड़के के, तो मैंने दशरथ ने मारा, टर टर के मारा, कोई मेरे को भी रगड़ा था उसने। दशरथ कौन है? वही लोधी। अच्छा, महिला का क्या रिश्ता? पहले वो घर वाला था उसका, तो इसने कोर्ट मैरिज नहीं करवा दिया। घटना कल कितने बजे की है? वो 4:02 पे, तो मेरे को मालूम चला, तो मैंने चार के बीच है। अच्छा, तो कल 3-4 बजे ही घटना और आज लगभग 12 बजे रह दूसरे दिन। तो ये सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये बॉडी रखी है, पोस्टमार्टम के लिए नहीं लगा कल से? तो हमको तो सर थाने में बैठा लिया, कल से ही बैठा, फिर मेरे से कोई रीच पूछ नहीं, पहले तो मेरे को बोला। अभी काहे से ले जा रहे हैं? अब गाड़ी कर रहा हूँ। अभी जैसे कि बता रहे थे कि पैसों का अभाव था और गाड़ी नहीं थी, कोई बात क्यों नहीं? पैसे तो हमारे पास नहीं है, गरीब नहीं, पैसे का अभाव था, यही है ना बात, कि पैसे के अभाव के कारण वाहन नहीं कर पाए। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए आने, यही बात सही है। हाँ। वहीं पुलिस ने जब दशरथ लोधी की तलाश की लेकिन वह गांव में नहीं मिला। वहीं एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। ग्राम विद्वास जो सुर्खी क्षेत्र अंतर्गत आता है, कल लेट इवनिंग में सूचना मिली कि वहां के रहने वाली महिला नीरा लोधी के साथ कुछ व्यक्ति ने मारपीट करी है, जिससे उसको सीरियस चोटें सिर में आई हुई है, किसी 4 पॉकेट की चोटें हैं। पुलिस इमीडिएट स्पॉट में गई और पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हमने इसमें 307 की कायमी करी, लेटर ऑन इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें निश्चित विधि सम्मत सेक्शन बढ़ाए जाएंगे। और अभी तक जो प्राइमा फेसी विवेचना हुई है, संभवतः उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था दशरथ लोधी, उसने शायद घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी अंगों से विवेचना कर रही है। सुर्खी से ब्रजेंद्र अखबार, सागर टीवी न्यूज। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, एमआई, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है, आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।